गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुंडिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है तैमूर आक्रमण, जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था दिल्ली पर। इसके अलावा सिकंदर लोदी, लोदी वंश का प्रमुख शासक सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में हम तैमूर आक्रमण व सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के प्रमुख शासक फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, अर्थात रज्जब का पुत्र था। फिरोज तुगलक ने प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, न ही कोई अकाल पड़ा था। फिरोज तुगलक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया था, अर्थात 1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज तुगलक ने दिल्ली में शासन किया था। तो फिरोज का उत्तराधिकारी जो है उसका पौत्र तुगलक शाह था। फिरोज तुगलक का उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था, जो कि ग्यासुद्दीन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था, अपने राज्य रोहन के 2 वर्ष के भीतर ही वह षड्यंत्रों का शिकार हो गया था। अगले 5 वर्षों के दौरान 3 शासक अबू बरक मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 ईस्वी में, और 1412 ईस्वी में तुगलक वंश लगभग समाप्त हो गया था। इस वंश का अंतिम जो शासक रहा वह नासिरुद्दीन महमूद था, जिसने 1394 से 1412 ईस्वी तक की शासन किया था। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली के लिए मरणातक आघात सिद्ध हुआ था। तैमूर ने अपने आक्रमण के दौरान दिल्ली में भारी लूटमार मचाई थी। तैमूर का आक्रमण दिल्ली वंश
और तुगलक वंश के लिए पन्नातक घातक सिद्ध हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग्य पूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य भी रहा था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। ग्यासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की नीति अपनाई गई। तुगलक वंश के पतन का जो कारण है, फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता रही थी। तुगलक वंश के पतन का जो कारण है, फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता रही थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, इसके कारण तुगलक वंश का पतन हुआ था। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक शाह ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सितंबर 1388 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था, जिसने लगभग 5 माह तक की शासन किया। उसके असंतुष्ट सरदारों ने अबू बरक को फरवरी 1389 को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया था। फिर है शहजादा मोहम्मद कुछ शक्तिशाली अमीरों की सहायता से अप्रैल 1389 ईस्वी में समाना में उसने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था और परिणाम स्वरूप शहजादा मोहम्मद एवं अबू बरक के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अबू बरक को सिंहासन छोड़ना पड़ा था, किंतु शहजादा मोहम्मद ने अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया था और जनवरी 1394 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक शाह ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से शासक पड़ा था 1389 ईस्वी में। इसने लगभग 5 माह तक की शासन किया और उसके असंतुष्ट सरदारों ने मिलकर अबू बरक को 1389 ईस्वी को इसके पश्चात अबू बरक सिंहासन पर बैठा। तुगलक शाह ग्यासुद्दीन तुगलक जो कि 5 माह तक की शासन करवाता है, इसके पश्चात असंतुष्ट सरदारों ने मिलकर अबू बरक को सिंहासन पर बिठा दिया था। अबू बरक और ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अबू बरक विजयी रहता है और ग्यासुद्दीन तुगलक पराजित हो जाता है। और इस प्रकार जो तुगलक शाह है उसे गद्दी छोड़नी पड़ती है, किंतु शहजादा मोहम्मद भी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाता और 1394 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अबू बरक की 1394 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अबू बरक की 1394 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार उसकी मृत्यु के पश्चात शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है।
किंतु 6 सप्ताह के उपरांत ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हुमायूं की भी 6 सप्ताह के पश्चात मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है। तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यही तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान रहा। यद्यपि इसने 1390 से 1412 ईस्वी तक की शासन किया था, किंतु इसके शासनकाल में तुगलक वंश का पतन होता रहा था। साम्राज्य की सीमाएं संकुचित हो गई थी। दक्षिण भारत, खान देश, बुंदेलखंड, गुजरात, मालवा, राजस्थान आदि जो सूबे थे वह नासिरुद्दीन महमूद के हाथों से निकल गए थे। जौनपुर आदि जो राज्य थे इन्होंने एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में राज्य अपने स्थापित कर लिए थे। फिरोजाबाद भी स्वतंत्र हो गया था और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है। तो अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद। इसकी मृत्यु 1412 ईस्वी में हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है तैमूर आक्रमण। इस प्रकार मुगल हुकूमत के अयोग्य उत्तराधिकारी भी तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। तैमूर लंग एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। तैमूरलंग जो कि एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। 1369 ईस्वी में वह समरकंद के सिंहासन पर आसीन हुआ। 1369 ईस्वी में वह समरकंद अर्थात मध्य एशिया के सिंहासन पर आसीन हुआ। ईरान, अफगानिस्तान एवं मेसोपोटामिया को विजित करने के पश्चात तैमूर की जो दृष्टि है भारत की अतुलनीय संपत्ति पर गई। अतः 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। और इसके पश्चात झेलम और रावी नदी को पार करता हुआ मुल्तान
दीवारपुर, पाक, पटन, बटनेर, सिरसा और केथल को लूटता हुआ वह दिल्ली आ पहुंचा। यहाँ वह लगभग 15 दिन तक ठहरा। तैमूर दिल्ली में लगभग 15 दिन तक ठहरा। तैमूर दिल्ली में लगभग 15 दिन तक ठहरा। दिल्ली को उसने मनमाने ढंग से लूटमार की और वहां पर उसने कत्लेआम किया था। 1399 ईस्वी में वह फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू को लूटता हुआ समरकंद चला गया था। जाने से पहले वह सैयद वंशीय खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीवारपुर की जो जागीर है वह उसने खिजर खां को सौंप दी थी। इस प्रकार जाने से पहले उसने सैयद वंशीय खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीवारपुर की जो जागीर है वह उसे सौंप दी थी। तो इस प्रकार तुगलक वंश के पश्चात नया वंश सैयद वंश आया। तुगलक वंश के पश्चात नया वंश सैयद वंश आया जिसने कि 1414 से 1450 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। 1414 से 1450 ईस्वी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। खिजर खां का तो भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर, दीवारपुर का शासक घोषित कर दिया था। 1414 ईस्वी में खिजर खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और उसने 1421 ईस्वी तक शासन किया। 1414 से 1421 ईस्वी तक खिजर खां के द्वारा शासन किया जाता है। अपने शासन काल के दौरान उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात गद्दी पर बैठा मुबारक शाह। खिजर खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा जिसने कि 1421 से 1434 ईस्वी तक 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। इसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की थी। 1421 से 1434 ईस्वी तक अपने 13 वर्ष के शासन काल में वह अपने पिता की ही भांति अपने राज्य के विदेशी शत्रुओं और आंतरिक विदेशियों से मुबारक शाह में संघर्ष करता रहा। इसके बाद मोहम्मद बिन फरीद खान गद्दी पर बैठा। तो मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका भाई का जो पुत्र है मोहम्मद बिन फरीद खान मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसके भाई का जो पुत्र है मोहम्मद बिन फरीद का 1434 ईस्वी में मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु।
1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से 1445 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन आलम शाह। दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन फरीद खान की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का नया सुल्तान बना, जिसने 1445 से 1450 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह एक अयोग्य सुल्तान रहा। उसके शासनकाल में ही बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था और हमीद खां को उसने अपने रास्ते से हटा दिया था। अलाउद्दीन आलम शाह ने भी बहलोल लोदी का विरोध नहीं किया। वह जीवन पर्यंत एक अमीर के रूप में बदायूं में ही रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार सैयद वंश का अंत हो जाता है और नया वंश लोदी वंश स्थापित किया जाता है। इसके सैयद वंश के पश्चात लोदी वंश स्थापित होता है। इसके शासकों की जो शासन अवधि है 1451 से 1526 ईस्वी 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश के शासकों ने शासन किया था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसने की 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, उसका संबंध अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूर रवेल से था। अप्रैल 1451 को वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 1451 में लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी और वह 1451 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। उसने मेवात, संबल, कोल, खरी, भोरवा, इटावा, ग्वालियर के जागीरदारों पर आक्रमण कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जौनपुर के राज्य को दिल्ली में उसने शामिल किया। बहलोल लोदी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ग्वालियर के राजा मानसिंह पर आक्रमण किया और उससे 80 लाख टका प्राप्त किए। यहीं से लौटते समय वह बीमार पड़ा और जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बहलोल लोदी का जो शासन अवधि है 1451 से 1489 ईस्वी तक निर्धारित है। इसके पश्चात गद्दी पर लोदी वंश का प्रमुख शासक सिकंदर लोदी बैठते हैं। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था, जिसने कि सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम शाह 17 जुलाई 1489 को
निजाम शाह 17 जुलाई 1489 को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। निजाम शाह ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। यह एक उदार न्यायप्रिय शासक था। अपने साम्राज्य की सीमाओं का इसने काफ़ी विस्तार किया। भूमि की नाप करवाई। उसने एक प्रमाणित गज चलाया था। उसने एक प्रमाणित गज चलाया जो कि बहुत लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से प्रचलित रहा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी एक कवि भी था और फूल रुखी के नाम से उसने कविता वह लिखा करता था। उसके शासनकाल में एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था जो कि फरहंगे सिकंदरी के नाम से विख्यात हुआ। हिंदू धर्म को कुचलने तथा इस्लाम धर्म का उत्थान करना उसका हर संभव प्रयास रहता था। उसके जीवन के अंतिम दिन ग्वालियर, धौलपुर, नरवर आदि के हिंदू शासकों के साथ संघर्ष में ही बीते। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार लोदी वंश के प्रमुख शासक सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है वह 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाती है। इस प्रकार सिकंदर लोदी का जो शासन है सिकंदर लोदी का जो शासन है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। 1489 से लेकर 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी, जिसका संघर्ष मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ पराजित होता है और लोदी वंश का अंत हो जाता है और एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि बाबर के द्वारा ही लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पराजित कर दिया जाता है और लोदी वंश का अंत कर मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो आइए अब देखते हैं लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर आसीन होता है। उसने इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की थी। सिंहासन पर आसीन होने के बाद उसने आजम हुमायूं शेरवानी को
ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। आक्रमण में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत मानसिंह का पुत्र था को हथियार डालने पड़े थे। वह इब्राहिम लोदी के अधीनस्थ समाप्त हो गया। साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के उद्देश्य से ही इब्राहिम ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर भी आक्रमण किया था। इस युद्ध में राजस्थान स्थित बकरोल के निकट इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। इब्राहिम लोदी के तत्कालीन अमीर इब्राहिम लोदी के तत्कालीन अमीरों से जो संबंध थे वह अच्छे नहीं थे। उसकी पंजाब के सूबेदार दौलत खां से अनबन हो गई थी। अतः दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसके आक्रमण का निमंत्रण पाकर उसके आमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बाबर विजयी रहता है और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ पराजित होता है और मारा जाता है। इस प्रकार लोदी वंश समाप्त होता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा कर दी जाती है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है तैमूर आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था तथा सिकंदर लोदी लोदी वंश का प्रमुख शासक इसकी प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी आपको आज की वीडियो में प्रदान कर दी गई है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।